वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स ज्ञान में। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट टू की। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट वन की, जिसमें हमने बात करी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज की और मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। तो चलिए आज हम मॉनेटरी पॉलिसीज के कुछ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट टू, जिसमें हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। और हाँ, देखिए ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज भी हुई है, तो एकदम लेटेस्ट हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट टू पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट टू बनाने में, क्योंकि अभी नई नई लेटेस्ट आई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रेपो रेट और बैंक रेट की, क्योंकि बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। देखिए बैंक रेट, अगर हम बैंक रेट की बात करें या रेपो रेट की बात करें, तो ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे मैंने बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पर मैंने एक फ्लो ऑफ मनी का, यानी कि जो मार्केट में ये रेट है मनी के फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उसके लिए मैंने एक चार्ट बना लिया। अगर इंक्रीज करेंगे तो हम उसका साइन ऊपर की तरफ दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर डिक्रीज करेंगे तो उसका साइन हम नीचे की तरफ दे देंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो तीर के साइन है इनको अप एंड डाउन, उसके भी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेपो रेट या बैंक रेट क्या होता है। देखिए बैंक रेट का क्या मतलब होता है, बैंक रेट या रेपो रेट का मतलब होता है ये वो रेट होते हैं जिस रेट पर कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है। कहने का मतलब है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उस रेट को या तो बैंक रेट कहते हैं या फिर हम रेपो रेट कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि वो रेट क्या होता है। अगर जिस रेट पर मैंने कहा कि जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो वो या तो बैंक रेट होगा या रेपो रेट होगा, पर हमें कैसे पता लगेगा कि वो बैंक रेट है या रेपो रेट है। तो देखिए अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 डेज के लिए लोन ले रही है, यानी कि 90 दिनों के लिए लोन ले रही है, तो वो हमेशा रेपो रेट होगा। अगर वो अबव 90 डेज के लिए ले रही है, अबव 90 डेज टू 1 ईयर के लिए लोन ले रही है, तो वो हमेशा बैंक रेट होगा। तो गाइस रिमेम्बर रहे कि अगर वो 90 डेज के लिए लोन लेगी तो रेपो रेट, अगर वो 90 डेज से ज्यादा दिनों के लिए लोन ले रही है तो बैंक रेट। यानी कि जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को 90 दिनों के लिए लोन देगी तो वो हमेशा रेपो दर चार्ज करेगी, यानी कि उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा रेपो रेट चार्ज होगा। अगर वो 90 दिनों से ज्यादा के लिए लोन देगी तो उनपे हमेशा बैंक रेट चार्ज होगा। देखिए दोनों में मेजर फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क इनके रेट्स का है कि जो रेपो रेट है वो हमेशा 0.25% क्या होता है, हमेशा 0.25% कम होता है बैंक रेट से। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो अभी ये 6.50% चल रहा है और बैंक रेट आपका 6.75% चल रहा है। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच 0.25 का अंतर रहता है। देखिए इनमें 25 का क्यों अंतर रहता है, क्योंकि ये शॉर्ट रन के लिए होता है और ये लॉन्ग रन के लिए होता है। इसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है और इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई देखिए ये जो 90 डेज का टाइम पीरियड है, 90 दिनों का टाइम पीरियड है, ये कैसे हो जाता है 90 डेज का। बेसिकली जो आरबीआई लोन देती है, आरबीआई हमेशा जो लोन देगी वो सिर्फ 15 दिन के लिए लोन देती है बैंकों को। अब बैंक इस 15 दिन को क्या कर सकते हैं, 15 दिन को 5 बार इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 15 करके वो 15 दिन को 5 बार एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि 75 डेज हो जाता है। तो 75 डेज प्लस 15 डेज कितना हो गया, 90 डेज। कहने का मतलब है जब भी बैंक आरबीआई बैंक को लोन देता है तो वो 90 डेज के लिए देता है। बेसिकली वो लोन सिर्फ 15 दिन के लिए देता है, पर लेकिन उसे वो 15 दिन और एक्सटेंड कर सकता है। ऐसे ही आरबीआई 15 दिन करके 5 टाइम्स में उसे क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, जिसके चलते वो कितने दिन में हो जाता है, 90 डेज उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस रेट पर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से अप टू 90 डेज के लिए लोन लेगी तो वो रेपो रेट, अगर वो अबव 90 डेज के लिए लोन लेगी तो वो बैंक रेट। और यहाँ पर गाइस याद रखिए, जैसे इसमें मैक्सिमम लिमिट की मैंने बात करी, इसकी जो कितना लोन ले सकती है कोई भी बैंक ना, कितना लोन ले सकती है, तो 5 करोड़ तक वो मिनिमम रेपो रेट के द्वारा लोन ले सकती है कोई भी बैंक।
और मैक्सिमम 0.25 ऑफ एनडीटीएल. एनडीटीएल मैंने पिछले वीडियो में समझाया, तो आप वहां से देख सकते हैं एनडीटीएल. तो एनडीटीएल का 0.25 यानी कि 0.5% बैंक लोन ले सकती है किससे, आरबीआई से. क्लियर क्लास, बात समझ आई. इसके बाद जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट क्या होती है, अभी बैंक रेट जो होता है वो आपका, बैंक रेट में ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती कि 5 करोड़ या 6 करोड़, इसे आप अनलिमिटेड ले सकते हैं. मिनिमम और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती. तो चलिए, ये मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करता है. तो देखिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट या रेपो रेट को हमेशा बढ़ा दिया जाएगा, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन बैंक रेट या रेपो रेट को घटा दिया जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक है, वो अब लोन कम लेंगी. अगर कमर्शियल बैंक लोन कम देंगी तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में लोन का लेंडिंग कम करेंगी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. और अगर कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसे घटा देती है तो ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन लेंगी और वो फिर मार्केट में लेंडिंग भी ज्यादा कराएंगी. तो इससे हम मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हैं. सो गाइस, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है. तो चलिए अब अगले इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट की, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है रेपो रेट का उल्टा. रेपो रेट में क्या होता है कि जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका रेपो रेट होता है. पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब भी बैंकों के पास कुछ ज्यादा पैसा हो जाए, यानी कि मनी एक्सेस हो जाए, यानी कि काफी ज्यादा पैसा जब हो जाता है उनके पास, तो वो उस पैसे को कहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं? वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकते हैं. अब आरबीआई वो पैसा अपने पास रखने के बदले में क्या देती है, कमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है. यानी कि कहने का मतलब है कि बैंक अपने एक्सेस मनी को डिपॉजिट करा देती है आरबीआई के पास, और आरबीआई उस डिपॉजिट मनी के बदले में जो कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट यानी कि उल्टी रेपो दर कहा जाता है. रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर हमेशा रेपो दर से हमेशा 0.25% कम होती है, इसीलिए कितनी है, 6.25% है. बात समझ आई करंट में. ये क्या होता है, जब भी कोई कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होती है, एक्सेस मनी इन द सेंस उनके पास लेंडिंग का पैसा ज्यादा आ रहा है या फिर उनके पास काफी ज्यादा पैसा है, तो वो क्या कर सकती है, अपने उस पैसे को अपने पास ना रखे आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकती है, और बदले में आरबीआई उसके क्या देता है, इंटरेस्ट भी देता है. ठीक है, और आरबीआई जो इंटरेस्ट देती है उसी रेट को आप RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन हमेशा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट होता है, इसीलिए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कम और इन केस ऑफ डिफ्लेशन ज्यादा कर दी जाती है. सो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे MSF की. MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है. ओवरनाइट इन द सेंस, देखिए आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंकों को लोन देती है रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो रेट पे. अब क्या होता है यहाँ पे कि जब तक कि आरबीआई का लोन कमर्शियल बैंक नहीं चुकाएगी, आरबीआई दूसरा नया लोन नहीं देती. पर कई बार क्या होता है कि आरबीआई से पैसा लेने के बाद बैंकों को दोबारा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक लोन कहाँ से ले. तो उसी लिए आरबीआई ने एक अनदर इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसका नाम है MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या करती है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का काम होता है कि भाई बैंक ने एक बार लोन ले रखा है, वो एक बार और लोन ले सकती है किससे, आरबीआई से. अब वो लोन होगा बट ओवरनाइट का, 0 to 1 day के लिए. बात समझ आई, ओवरनाइट लोन होगा. उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से इमरजेंसी लोन लेती है उसे हम MSF इमरजेंसी लोन लेती है, उसके बदले में जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है वो हमारा क्या होता है, MSF होता है. MSF में कोई भी, यानी कि MSF जो होता है हमेशा MSF जो चलता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट हमारा MSF होगा, और MSF हमेशा बराबर होता है बैंक रेट के, जो कि इस समय पे कितना चल रहा है, 6.75% के समय पे चल रहा है. मेरा कहने का मतलब है जब भी किसी बैंक को इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से मांगती है, आरबीआई बदले में लोन देता है पर उसके ऊपर चार्ज करता है इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट आपका 6.75% होता है. अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी आरबीआई होती है वो बैंकों को लोन कितना दे सकती है? तो देखिए, मिनिमम तो 1 करोड़ रुपए लोन दे सकती है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट, मैक्सिमम इसका रहता है 2% ऑफ एनडीटीएल. सॉरी गाइस,
तो यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट रहती है वो 1 करोड़ रुपीज रहती है और मैक्सिमम 2% ऑफ देयर एनडीटीएल, उस दिन के एनडीटीएल का 2% वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम तक लोन दे सकती है इन केस ऑफ एमएसएफ। एमएसएफ एक इमरजेंसी फैसिलिटी होती है, बैंक रेट बढ़ता है, एमएसएफ अपने आप ही बढ़ जाता है। बेसिकली एमएसएफ भी कहीं ना कहीं मार्केट में से फ्लो को कंट्रोल करता है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा कम पैसा, जितना ज्यादा एमएसएफ हमारा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, एमएसएफ हमेशा क्या रहता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एमएसएफ जैसी फैसिलिटी को गवर्नमेंट हमेशा क्या कर देती है, कम कर देती है, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन बढ़ा देती है। सो गाइस एमएसएफ इज द ओवरनाइट फैसिलिटी, जब भी कमर्शियल बैंकों को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होगी तो वो आरबीआई से क्या लेंगी, ओवरनाइट फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ का इस्तेमाल करेंगी। एमएसएफ मिनिमम आपका 1 करोड़ होता है और मैक्सिमम 2% ऑफ देयर एनडीटीएल। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अगले इंस्ट्रूमेंट की, जो कि हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है खुले बाजार की प्रतिक्रिया। खुले बाजार की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें हमें प्रतिभूतियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिभूतियों का मतलब होता है गाइस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, पेपर मनी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब। आने वाले सेशन में मैं आपको टी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी यहाँ छोटा मोटा समझ लीजिए कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटी का मतलब होता है कमर्शियल पेपर, सिक्योरिटी का मतलब होता है पेपर मनी, यानी कि जो हमें मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर तक की होती है उन्हें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यानी कि फिक्स सिक्योरिटीज को कंसिडर करते हैं, यानी कि आज जितने का आज हमने खरीदी है जो सिक्योरिटी, भविष्य में उतने की ही अगर वो बिकेगी। फिक्स नेचर की जो सिक्योरिटी होती है उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन में कंसिडर किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे देश की गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदती या बेचती है, यानी कि जब गवर्नमेंट ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदेगी या बेचेगी, सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करेगी या जो ऑलरेडी दे रखी है उन्हें परचेज करेगी, तो इस एक्टिविटीज को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती या बेचती क्यों होगी ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना गवर्नमेंट का कहलाता है क्या, ये हमारे मनी के फ्लो को कम करने या ज्यादा करने के लिए होता है। अगर इन केस मान लीजिए कि मार्केट में फ्लो बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोग इन्फ्लेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। पैसा किस फॉर्म में ज्यादा है, कैश के फॉर्म में ज्यादा है। तो कैश के फॉर्म में पैसा बहुत ज्यादा है, अब वो क्या करेगी, मार्केट में क्या करेगी, मार्केट में गवर्नमेंट इश्यू कर देगी सिक्योरिटीज, ताकि लोग सिक्योरिटीज खरीदे। अब अगर लोग सिक्योरिटीज को खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें कैश देना पड़ेगा, अपना कैश दे देंगे तो सिक्योरिटीज है तो भाई वो मार्केट में शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते ना। तो सिक्योरिटी हमारी जो होती है मनी के फ्लो को रोकती है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सेल कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदे। इन केस ऑफ डिफ्लेशन उन्हें परचेज कर देती है ताकि सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास आ जाए और मार्केट में मनी का जो फ्लो है सर्कुलेटेड हो जाए, पैसा मार्केट में सर्कुलेटेड हो जाए। तो इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो की तरफ अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, जो कि हमारा है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहा जाता है MCLR। सो फ्रेंड चलिए अब हम बात करेंगे MCLR की, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट का मतलब होता है जब भी कोई कमर्शियल बैंक कस्टमर को जिस रेट पे लोन देता है, यानी कि जिस लोन रेट पर आप लोन लेते हैं, हम लेते हैं, उस हम पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो MCLR होता है। MCLR का मतलब होता है, देखिए जब भी किसी कमर्शियल बैंक को RBI से, जब भी बैंक को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो RBI से मांगते हैं। RBI बदले में उस पे या तो रेपो रेट, जो कि मैं पिछले अभी बता ही चुकी हूँ, इसके बाद जब कोई कस्टमर बैंक से लोन मांगता है तो कस्टमर पे भी बैंक जो चार्ज करती है जिस रेट को, उस रेट को हम MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट का मतलब होता है जिस रेट पर कोई भी कस्टमर कमर्शियल बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। भाई देखिए यहाँ पर जो इसकी ना मैक्सिमम लिमिट होती है वो हमेशा कौन तय करता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट हमेशा RBI तय करती है और इसकी लैंडिंग लिमिट हमेशा इंडिविजुअल बैंक तय करती है।
अब आप सोच रहे होंगे मैडम पता नहीं किस मैक्सिमम लिमिट की बात कर रही है। तो मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है आरबीआई ने जैसे कि तय कर दिया कि आपका 10% रहेगा, फॉर एग्जांपल रहेगा, इसे ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए मैक्सिमम तय कर दिया आरबीआई ने 10%, तो यहाँ पर जो बैंक होगी, अब वो जो बैंक देगी वो आपका 10% से ऊपर नहीं दे सकती कोई भी बैंक, 10% से नीचे कोई भी कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट के अनुसार कितना भी दे सकती है, वो 9% पे दे सकती है, वो 9.9% पे दे सकती है, पर वो 10 पे भी दे सकती है, पर वो 10.1% पे लोन लैंड नहीं करा सकती। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम लिमिट हमेशा कौन तय करता है, आरबीआई। पर कोई भी बैंक कस्टमर को किस रेट पर देना चाहती है, कितना रेट वो चार्ज कर रही है, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बैंक पे, पर लेकिन वो आपकी मैक्सिमम जो आरबीआई की मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा है MCLR इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फैल रही है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में जब मनी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो MCLR को हमेशा बढ़ा दिया जाता है ताकि कम से कम लोन लोग क्या करें, लोन ले, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन MCLR को हमेशा कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में से लोन की लैंडिंग करें। बात समझ आ गई, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या किया जाता है और इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या कर दिया जाता है। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए हम अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है MSS। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे MSS यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब होता है जो मार्केट को स्टेबल करे, मार्केट को स्टेबल करे उसे हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा बॉन्ड क्या होता है। देखिए बॉन्ड मैं शायद पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बॉन्ड का मतलब होता है जो फिक्स नेचर के होते हैं, यानी कि आज अगर आपने कोई बॉन्ड लिया, अगर 1000 रुपए का अगर लिया है तो भविष्य में 1000 का ही बिकेगा, क्योंकि ये ना जो बॉन्ड होते हैं ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड इन द सेंस कि इन पे आपको डिस्काउंट मिलता है। आपको मान लीजिए 10 रुपए का 100 रुपए का 1000 के बॉन्ड पे डिस्काउंट मिल गया तो आपका मार्केट में कितने का मिला, आपको 900 रुपए का, पर उसकी जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पे वो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1000 रुपए ही थी, तो मार्केट में जब आप इसे वापस गवर्नमेंट को वापस करते हैं तो वो 1000 का ही जाता है, एक्चुअल में आपको मिला 900 का है पर वो वापस 1000 का जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ओपन मार्केट में जब भी गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू करती है उसे भी हम MSS कहते हैं। सो गाइस आप कह रहे होंगे कि मैडम ने अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी वही बताया और अभी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी वही है। नहीं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में इश्यू तो किया जाता है बट लेकिन यहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटीज है, ओनली बॉन्ड जो फिक्स नेचर के होते हैं, सिर्फ बॉन्ड की यहाँ मैं बात करूंगी, सिर्फ जो बॉन्ड होते हैं। जब भी गवर्नमेंट मार्केट में बॉन्ड को इश्यू करती है तो क्या करती है, अपने फिक्स नेचर के बॉन्ड को इश्यू करती है, 1 ईयर के लिए बॉन्ड को इश्यू करती है, तो उसे MSS यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहा जाता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा गवर्नमेंट एस जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में था कि सिक्योरिटीज को बेच देना, इन केस ऑफ डिफ्लेशन सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। तो गाइस इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था, इन दोनों में ओपन मार्केट ऑपरेशन और MSS का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम सिक्योरिटीज, कई सारी सिक्योरिटीज हो सकती है, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, या फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हो सकते हैं, पर लेकिन MSS में ये सब नहीं होता है। MSS में ओनली वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है जिसका नाम होता है क्या, बॉन्ड, यानी कि सिर्फ हम बॉन्ड को करते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को करते हैं ना गाइस। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, तो चलिए अब हम अगले एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट लेकिन एक अगली टर्म है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अभी लिखा LAF। LAF क्या होता है, LAF एक कॉरिडोर होता है, कहने का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF की फुल फॉर्म होती है, कई बार पेपरों में पूछी जाती है LAF की फुल फॉर्म यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच के डिफरेंस को LAF कहा जाता है। कि जितना LAF और देखिए LAF में हम जो रेपो रेट होता है, मान लीजिए अगर हमारे रेपो रेट 10 रुपए है तो हमारा जो 10 रुपए हमारा रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट 7 रुपए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 रुपए का, वो LAF हो जाएगा। LAF कहने का मतलब है LAF इज द डिफरेंस ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच के डिफरेंस को जो कि 0.25% होता है उसे LAF कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर क्या होता है, देखिए कॉरिडोर का तो मतलब वही होता है कि जैसे कि गली,
है ना, तो ये गली है दोनों के बीच की, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो LAF होता है। LAF का बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, LAF का मार्केट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है वैसे, कि भाई देखिए बीच में कितना डिफरेंस रखना है, जिसकी वजह से हमारे जो रेट्स हैं वो ज्यादा फ्लैक्चुएट ना हो पाए। तो LAF हमेशा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ज्यादातर आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोटा सा नोट और लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है कि अगर रेपो रेट एक्स चल रहा है तो बैंक रेट हमेशा x.05% चलता है, और अगर रेपो रेट एक्स चल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा x-0.25% होता है, और बैंक रेट के बराबर हमेशा MSF होता है। MSF एंड बैंक रेट दोनों रेट में बराबर होते हैं, काम में बराबर नहीं होते, काम दोनों के अलग अलग हैं, पर इनके रेट ऑब्वियस हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा वीडियो आज का समझ आया होगा, आपको इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या अपने सजेशंस दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होना चाहिए, और आई होप कि हम आगे और बेस्ट करेंगे। सो आपके आने वाले एग्जाम्स में, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये सारे वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं या कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।